कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। विभाजन विभीषिका इसके निमित्त से यहाँ पर ये आज पूरा दिन एक प्रोग्राम अरेंज किया गया था जिसमें महानगर पालिका भी थे और सिंधी भाषा एकेडमी और भी जो सिंधी जो संस्थाएं हैं उनकी तरफ से ये कार्यक्रम संयुक्त से लिया गया और इसमें एक बहुत अच्छा प्रदर्शन भी रखा गया है जिसमें जब ये पार्टीशन हुआ था और उस वक्त के जो कुछ घटनाएं थी महत्वपूर्ण जो घटनाएं थी जो दुखद घटनाएं थी उसका भी वहाँ पे प्रदर्शन में उल्लेख है। उसके अलावा सिंधी संस्कृति सिविलाइजेशन किस प्रकार से विकसित हुई होती गई और किस प्रकार से उसका पूरा व्याप्ति थी ये बात का भी इस प्रदर्शन में रखा गया है। और उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमारे संसद ने कानून बनाया कि जिसमें जो पाकिस्तान से अभी जो लोग यहाँ पर आना चाहते हैं सिटीजनशिप लेना चाहते हैं उसके लिए जो कानून बनाया गया था और उसके अनुसार बहुत सारे लोगों को सिटीजनशिप दी गई है उनको भी यहाँ पे आमंत्रित किया गया था और पूरे देश से यहाँ पे वो लोग आए हैं 58 ऐसे व्यक्ति यहाँ पर आए हैं जिनको सिटीजनशिप दी गई है। इस प्रकार से एक बड़ा ही अनोखा एक कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हो रहा है जिसमें कुछ जो हमें हम जिनको कहेंगे हमारे सप्रे साहब जो एक जबलपुर से आए हैं मध्य प्रदेश से आए हैं और इन्होंने भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा मार्गदर्शन लोगों को किया है और भी लोगों ने काफ़ी अच्छा मार्गदर्शन किया है और इस प्रकार से एक अलग प्रकार का एक अनूठा प्रकार का ये कार्यक्रम यहाँ पे संपन्न हुआ है और जहाँ पे जिन लोगों को ये सिटीजनशिप मिली है उनका हमने यहाँ पे स्वागत भी किया है उनका फेलिसिटेशन भी किया है और हमारे उल्लासनगर शहर में उनका हमने स्वागत भी किया है। तो इस प्रकार से ये बड़ा खूबसूरत तरीके से जो अरेंज किया गया था प्रोग्राम उसको वो आज संपन्न होने जा रहा है। हाँ सर बताइए किस प्रकार का आज आयोजन किया गया था, क्या कहेंगे? सिंधी भाषा विकास परिषद महाराष्ट्र सिंधी साहित्य अकादमी और उल्लासनगर महानगर पालिका द्वारा यहाँ पर विभाजन की विभीषिका प्रोग्राम जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2021 से इसको मान्यता दी है जो हर साल 14 अगस्त को हम लोग इसको स्मरण दिन के रूप में हम लोग मनाते हैं। आज यहाँ उल्लासनगर में इस प्रोग्राम रखा गया था जिसमें एक प्रदर्शनी रखी गई थी जो सिंध प्रांत की और वहाँ की हमारी सिविलाइजेशन की जो मोहन जो धड़ो के तहत खुदाई में 5000 से समृद्ध जो सिंध की हमारी संस्कृति है और वहाँ की जो सिविलाइजेशन के जो सबूत हैं वो उसमें दिखाए गए हैं वो प्रदर्शनी थी। और आज यहाँ पर एक नृत्य नाटिका द्वारा यहाँ पर उस समय की त्रासदी किस प्रकार बच्चों में उस तरह पहुँचे और बच्चों को उस त्रासदी की लिए बताया जाए वो एक नृत्य नाटिका प्रस्तुत की गई। और यहाँ पर उल्लासनगर में भारतीय सिंधु सभा द्वारा यहाँ पर सीए की एक जो नागरिकता प्राप्त करने के लिए महेश सुखरामानी की ऑफिस झुलाली स्कूल ने यहाँ पर 4 महीना पहले खोली गई थी और अभी भी वहाँ पर वो काम चालू है और उस ऑफिस द्वारा 58 लोगों को नागरिकता मिली है उनको यहाँ पर बुलाकर सम्मानित किया गया है और उनका वेलकम किया गया है अपने ही देश में। तो ये जो प्रोग्राम आज यहाँ पर संपन्न हुआ इसके लिए मैं महानगर पालिका के हमारे आयुक्त अजीत शेख जी का और हमारे आज के वक्ता दामोदर सप्रे जी का डॉक्टर दामोदर सप्रे जी का मैं बहुत बहुत आभार मानता हूँ कि उन्होंने यहाँ पर आकर जो उन्होंने मैसेज देना था जो संदेश देना था अखंड भारत का जो क्योंकि जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक सपना दिखाया है
कि आने वाले दिनों में हम अखंड भारत बना के रहेंगे, तो ये सपना जीवित रखने का कार्य डॉक्टर दामोदर सप्रे जी ने सभी को उसके लिए प्रेरित किया है। मैं उनका बहुत बहुत आभार मानता हूँ और सभी को इस सपने को साकार रखना चाहिए। मेरी यही सभी से विनती है कि ये दिए हम अपने दिल में जला के रखें तो ये सपना हमारा जरूर पूरा होगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय झूलेलाल। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें।